राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलग अलग कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाले सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कांटारा साल 2022 की सबसे सफल फिल्म रही और ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। अब इस फिल्म में उन्हें उनके अभिनय के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा। उनकी फिल्म कांटारा को बेस्ट पॉपुलर फिल्म के खिताब से भी नवाजा गया। वहीं हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी अपने योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड को रिसीव करते हुए मिथुन चक्रवर्ती भावुक हो गए। आपको बता दें कि अभिनेता ने अपने पूरे करियर में 350 से ज्यादा फिल्में अलग अलग भाषाओं में की थी। वहीं नीना गुप्ता और मनोज बाजपेयी को भी अवार्ड से नवाजा गया। वैसे इन सितारों के इस अचीवमेंट के लिए आप क्या कहेंगे, आपकी राय में जरूर लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल नेशन नाउ। मुंबई से विदिता प्रताप, नेशन नाउ।